हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें यह समय दिया और हम प्रभु के वचन सुनना चाहते हैं। प्रभु के वचन के पास आने से पहले जरूरी हमें, हमारे कोई भी गलतियां है तो प्रभु हमें क्षमा करें, जिससे हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर की बातें समझ पाए। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु हम आशीष मांगते हैं, हमारी कोई भी पाप है दूर करो, अज्ञानता है दूर करो, समझ दो। साथ में जुड़े और एक भाई बहनों को भी आशीष देना। प्रभु हमसे बात करो, सच्चाई दो। सुनने वाले कान, समझने वाले हृदय, देखने वाली आंख, हम चाहते हैं प्रभु हर एक के लिए अनुग्रह मांगता हूं। और प्रभु पवित्र आत्मा हमें, हमसे बात करो, हमारी मनों को खोल दो, समझ खोल दो, जिससे हम आपकी बातें समझ पाए। धन्यवाद फिर से आज के दिन के लिए। पिता यीशु मसीह के नाम में आशीष दो, आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम लोगोस के बारे में, प्रभु के जो वचन है उसको रेमा कहा जाता है। ग्रीक में जो बोले जाते बात है, वचन, उसको रेमा कहा जाता है। और जो लिखावट है या फिर प्रभु की जो सोच है, वचन है, उसे लोगोस कहा जाता है। दोनों जो शब्द है वो परमेश्वर के वचन हो या इंसान के वचन हो, वचन या शब्द या शपथ ली हुई कोई बात या कोई आशीष की बात हो, उसे वचन जो होते, शब्द जो होते, उसके लिए दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। पुराने समय में परमेश्वर ने कई दफा लोगों से बात की। इब्रानी पत्र 2:2 में लिखा है, दूत परमेश्वर ने अपने फरिश्तों को भेजा और लोगों से बात की। लोगों के लिए क्या वचन है, लोगों को क्या कहना है, हमें लोगों के लिए कैसी उनका जीवन रहना चाहिए, क्या आज्ञा है या उनके जीवन में क्या होने वाला है, ये बातें परमेश्वर की ओर से जो फरिश्ते लेके आए उसके वहां पे लोगोस लिखा गया है। हिब्रू 4:2 में भी लिखा है कि प्रभु का जो लोगोस है, वचन है, उसके साथ जो जुड़े वो प्रभु की बात जिसने सुनी और जो लोग ने माना, अपनाया कि हां ये परमेश्वर की बात है, परमेश्वर ने हमें कहा है हम ये करेंगे, तो वो आशीषित हुए। लेकिन कई लोगों न जुड़े, कई लोगों ने कहा हमें ये परमेश्वर ने कहा ये ही नहीं हम मानते हैं, तो उनको कोई लाभ न हुआ। तो प्रभु का जो वचन है वो बोला हुआ वचन या लिखा हुआ वचन, एक सच्चाई है। काफी लोग नहीं जानते हैं, यह हिब्रानी जो पत्री है उसमें 11:3 में लिखा है कि हम विश्वास करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम यह समझते हैं कि परमेश्वर जो बोला वो रेमा, जो कुछ बोला वैसे ही धरती हुई। और 3 में लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं, हम ये मानते ही है। कैसे विश्वास हमें है उस रीति से कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, परमेश्वर के वचन। तो यहाँ पे जो है वचन, उसके द्वारा, उसके जरिए सारी सृष्टि हुई। तो ये जो यहां पे परमेश्वर के वचन से, यहां पे रेमा है, प्रभु बोला और सारी दुनिया हुई, कहा धरती हो जा,
कहा जल हो जा, कहा आसमान में सितारे हो जा, और वैसे ही हुआ। तो यहां जो हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन बोले हुए, यहां रेमा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन योहन्ना एक और एक यदि पद पढ़े तो वहां पे हम देखते हैं एक और एक पद, शुरुआत में सृष्टि हुई उसके पहले परमेश्वर का वचन था। और यहां पे रेमा नहीं लिखा है, यहां पे लोगोस लिखा है। तो शुरुआत में, आरंभ में दुनिया हुई उसके पहले वचन था। ये जो वचन था लोगोस, वो परमेश्वर के साथ था और वो लोगोस के जरिए दुनिया हुई। एक एक में क्या लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो ये वचन जो है वो रेमा यहां पे नहीं, लोगोस लिखा गया है। तो लोगोस को भी वचन कहा जाता है, रेमा को भी वचन कहा जाता है। तो ये क्या है? कई लोग मानते हैं कि परमेश्वर बोला और जो बोला वो जो शब्द है वही यीशु मसीह है। लोग क्या मानते हैं, परमेश्वर का जो वचन था वो देहधारी हुआ। कौन सा वचन? जो बोला वो एक वचन, वही देहधारी हुआ। इसीलिए लोग यीशु को परमेश्वर का बोला हुआ शब्द मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वो बोला हुआ शब्द नहीं, एक पहले से जो मौजूद था वो बोलता था, वो वचन बोलता था और वो परमेश्वर था जो आरंभ में शुरुआत में था। फिर से एक एक पद पढ़े, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। तो यीशु वचन है, वो वचन लोगोस, बोली हुई बात रेमा, सोची हुई बात लेगो। पुराने जो शास्त्र है उसमें भी ये दो बात, जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, एक है अमार और दूसरा है दबोर। दोनों शब्द अलग है। शब्द कोई बोलता है तो उसको अमार कहा जाता है, यदि वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ है, कोई बोलता है तो उसको दबोर कहा जाता है, यानी लोगोस। ग्रीक में रेमा और लोगोस, हिब्रानी में अमार और दबोर। ये क्या है? हमें ये बातें को थोड़ा हम सीखेंगे, जानेंगे। जो परमेश्वर के पास है सोच है, या परमेश्वर जो नियम इंसान के लिए सोचता है, फायदा सोचता है, या फिर इंसान के लिए कोई व्यवस्था देनी हो, वो परमेश्वर के पास सारा नियम है। वो नियम इंसान के साथ जब बात करके सुनाता है और इंसान उसको ग्रहण करता है, तो वचन है, वचन दिया जाता है, बोला जाता है। मत्ती 4:4 और योशुआ 6:10, यहां पे यीशु ने कहा, सुनो मत्ती 4:4। कई लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो ध्यान से सुनेंगे वो सारी बात समझ पाएंगे। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने कहा,
लिखा है, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहे, उससे जीवित रहेगा। इंसान को क्या करना है, आगे क्या होने वाला है मेरे जीवन में, मुझे क्या परमेश्वर मेरे लिए क्या चाहता है, ये जो मुझे पता नहीं है, सिर्फ मुझे मेरी सोच, मेरी बुद्धि और मुझे मेरे बारे में मुझे थोड़ा पता है वो मैं बोलता हूं, पर मुझे क्या करना चाहिए वो परमेश्वर की ओर से वचन आना और चलना। तो कहेंगे कि पाप ने परमेश्वर के मुंह से आवाज सुनी और आप चल निकले। तो यहां पे रेमा है कि परमेश्वर बोलता है। यशुआ 6:10, और यहोशुआ ने लोगों को आज्ञा दी, और यशुआ ने आज्ञा दी लोगों को, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने, देखो जब तक मैं चिल्लाने के लिए, बोलने के लिए मना करूं या न कहूं, आज्ञा न दू, आज्ञा न दू, तब तक जय जयकार न करना, तब तक जय जयकार, और कहेंगे क्या बोलते उसको, चिल्लाना मत, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में, और कोई शब्द सुनने में न आए, चुपचाप खड़े रहना, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने, कोई आवाज, कोई बात एक दूसरे से करने की नहीं, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना, और जैसे मैं बोलू आज्ञा दू आपको करना है। जब तक मैं न बोलू, आज्ञा न करू, तब तक कुछ मत करना। तो ये जो है परमेश्वर का वचन, वो यहोशुआ के पास आया और यहोशुआ ने लोगों से बात करी। कि जब तक मैं न बोलू वो परमेश्वर की बात, तब तक तुम्हें आज्ञा न मिले, तब तक तुम्हें कुछ करना नहीं है। इंसान भी जब वचन देता है या फिर कोई बात करता है, सुनाता है, इंसान का ज्ञान हो, इंसान भी बोल सकता है कि ऐसा ऐसा कर, प्रभु कहता है या फिर मैं कहता हूं। नीति वचन 4:5, 5:7 में यहां पे जो सुलेमान राजा है वो कहता है, ज्ञानी हो जा, समझ भी ले ले, और भूलना नहीं, मेरे सारे शब्द को मत भूलना, और तेरे बच्चों को भी ये सिखाना कि जो वचन मेरे मुंह से निकलते हैं उसको तुम्हें अपने हृदय में रखने हैं। तो जो शब्द है यहां पे वो है अमार, यानी जो बोली हुई बात मेरे ओर से आई है वो। मैं थोड़े बातों में ये बात को पूरा करूंगा, आपको कई सारी बातें हैं लेकिन थोड़ी बातों में ये समझा दूंगा ये क्या है। उत्पत्ति 15:1 लिखा है वहां पे, अब्राहम से प्रभु ने कहा, क्या लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम, यहोवा के पास वचन दर्शन में आया। यहोवा का लोगोस कहे, यहोवा का लोगोस कहे, दबोर कहिए, कहे आया, फिर यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, और फिर अब्राहम मत डर, और जो निकला कहा वहां पे है अमार, और वहां पे है कहा अमार मत डर। तो जो आया उसने कहा मत डर। तो वचन आता है, इंसान सुनता है, समझता है और वो बोलता है क्या हमारे लिए है। और अब्राहम को पता चला मत डर ये मेरी खुद की सोच नहीं है, अब्राहम को पता चला ये मुझे हिम्मत देने के लिए, मेरा कोई बल नहीं है, मैं कुछ गलत सोच रहा हूं, उसके पहले
ये जो मुझे हिम्मत मिल रही है वो मेरी खुद की नहीं है, ये तो कोई बोलता है और वो लोगोस है जो मुझसे बात करता है और उसने बात भी करी। लोगोस आया और अब्राहम से बोला, ऐसे मैं कहूंगा। तो लोगोस आता है, वचन आता है, वचन बोलते हैं। इंसान जो कुछ बोलता है वो अमार है। पहला समूएल 15 अध्याय 1 पद में समूएल ने साउल राजा से कहा कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है और कहता है मुझे परमेश्वर ने कहा और मैं तुझसे कहता हूं। तो प्रभु ने मुझे कहा है, यहां पे लोगोस नहीं है, यहां पे अमार है या रेमा कहेंगे वो है। क्या लिखा है? समूएल ने साउल से कहा, समूएल ने साउल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल। तो यहां पे लिखा है साउल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। देख साउल राजा, मुझे यहोवा ने भेजा इसलिए अब तो ये जो मैं आ रहा हूं तेरे पास, उसने मुझे कहा इसलिए मैं आया हूं। मुझे कोई वचन नहीं आया है पर उसने मुझे कहा जा, तो मैं आया हूं और तुझे अभिषेक करता हूं, इज़राइल का राजा हो जा। तो मुझे यहां पे परमेश्वर ने भेजा बोला ये कहने के लिए, पर मुझे कोई वचन नहीं मिला है कि ऐसा ही होगा। ऐसा कोई लिखावट नहीं है कि यही होगा सच। जब यीशु मसीह संसार में थे, मत्ती 8:8, एक बीमार के लिए एक अधिकारी जो था उसने लोगों को भेजा कि यीशु को कह दो मेरे घर पे आए, वो जो मेरा चाकर है वो बीमार है। और वहां से आवाज भी आई, कहां कहां गया वो मालिक ने कहा यीशु आप मेरे घर पे आओ, ऐसे योग्य मैं नहीं हूं, आप केवल शब्द कहो। यहां पे जो लिखा है शब्द आप लोगोस को, आप प्रभु हो, आप जो बोलोगे वही होगा। आप जो कह दिया, आपने कहा मुझे आप पे भरोसा है, तो यहां पे लोगोस लिखा है, आप बोल दो प्रभु वही हो जाएगा। और आपकी मर्जी से बोलना, आप जो चाहते वही बोलना, आप जो भला चाहते हो तो भला, बुरा तो बुरा, आप जो शब्द बोलोगे, जो करने को कहोगे वैसा ही हम करेंगे। तो यहां पे जो लिखा है कि प्रभु का वचन निकला और वो कहा कि जा, तेरा जो चाकर है वो चंगा हो गया है, और विश्वास भी किया। तो यहां पे लोगोस है, प्रभु ने बोला नहीं पर ये प्रभु ने कहा, ये बात जो उसकी ओर से आई। मत्ती 8:16 यहां पे भी लिखा है कई लोग इकट्ठे हो गए और यीशु ने लोगोस से लोगों को चंगाई दी, भूतों को निकाला। 16 पद में लिखा है जब संध्या हुई, तब वे उसके पास बहुत से लोगों को, उसके पास लेके आए लोग जिनमें दुष्टात्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया, और सब बीमारों को चंगा किया। तो यहाँ पे है वचन से, तो क्या है यहाँ पे, बोला नहीं, आज्ञा नहीं, पर उनके लिए तेरे लिए ये है, तेरे लिए ये है। ऐसे लोगोस जो अधिकार है प्रभु ने ये इस्तेमाल किया। प्रभु ने अपने चेलों को भी बोला तुम जो कहोगे वैसा ही होगा। मत्ती 10:14 वहां पे लोगोस है, आप जहां भी जाओगे जो आपको ग्रहण करेगा, जो आपकी बात को सुनेगा तो ठीक है, क्योंकि आप जो बोलने वाले हो वो
परमेश्वर आप में से बोलेगा और वही होगा, लेकिन जो न सुनेगा तो आप वो जगह को छोड़ देना। यीशु ने कहा मत्ती 24:35 में, आकाश पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरी बातें या मेरा वचन वो लोगोस है, मेरा जो वचन है वो न टलेगा। तो बोलना जो होता है वो अलग होता है, और जो होता ही है यदि वो बोला जाता है तो जो होता है उसको लोगोस कहा जाता है, बोले जाने बात को रेमा कहा जाता है। तो शुरुआत में क्या था? तो शुरुआत में वचन था, शब्द था, और वो जो शब्द था वो बोलने वाला प्रभु यीशु मसीह। उसके लिए रेमा नहीं लेकिन लोगोस इसका इस्तेमाल किया गया है। और ये लोगोस जो यीशु मसीह है वो पुराने समय में कितने लोगों के पास वो आके खड़ा रहा और लोगों ने उसको पहचाना या जाना। मत यूहन्ना 10:35 में लिखा है, यीशु ने कहा तुम परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर हो, तुम भी परमेश्वर हो। क्यों? क्योंकि जिसके पास लोगोस आता है, वचन आता है, वो परमेश्वर होते हैं। आपको पास जो वचन आता है, हमारे पास जो वचन आता है वो शायद बोली हुई बात परमेश्वर की ओर से है या नहीं, पर जरिए जरिए से आ रही है। लेकिन पुराने नियम के लोग जो थे उनके पास सीधा वचन आके खड़ा रहता था। हमारे पास वचन लोगों के द्वारा आते हैं। चेलों ने वचन सुनाए और लोगों ने इसको ग्रहण किया। कई लोगों ने वही परमेश्वर का वचन है हमारे लिए है ऐसे मान के ग्रहण किया, और कई लोगों ने होगा शायद नहीं होगा ऐसे करके माना। तो यहां पे 35 में यीशु ने कहा, यूहन्ना 10:35, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, यदि परमेश्वर ने वो लोगों को ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो परमेश्वर की बात सच्चाई वो असत्य नहीं होती है। परमेश्वर के पास से आया वचन वो सत्य है। और पुराने नियम में पढ़ेंगे हम पहला राजा 17:2, यशाया 38:4, यर्मिया 1:2, जकारिया 1:3, होशिया 1:1, योएल 1:1, आमोस 11:12। ये सारी जगह पे प्रभु का वचन ये चेलो ये सेवकों के पास आया, उनसे परमेश्वर ने बात की। यदि हम पढ़ पाए तो बड़ी अच्छी बात है। पढ़ो पहला राजा 17:2। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, एलिया के पास प्रभु का वचन पहुंचा। तो यहां पे है दबोर लोगोस, प्रभु का वचन उसके लिए जो था वह आया। और यशाया 38:4, तब यहोवा का यह वचन यशाया के पास, यशाया के पास वचन आया, लोगोस आया। यर्मिया 1:2, यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। तो यर्मिया के पास भी कब वो वचन आया यहाँ पे लिखा है, और फिर वो बोलने लगा कि ये वचन है। तो जो वचन है परमेश्वर के पास वो सीधी बात है, वो लिखी हुई बात है, वो पहले से नियुक्त की बात है, वो किसके पास जानी चाहिए, वो भी सारी व्यवस्था पुराने समय में परमेश्वर ने की रखी थी। अजिकेल 1:3, यहोवा का वचन बूजी के पुत्र, तो यहाँ पे लिखा है यहोवा का वचन बूजी के पुत्र अजिकेल के याजक के जो याजक था उसके पास आया। होशिय्याह 1:1, यहूदा के राजा उज्जियाह योताम आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में
और इसराइल के राजा युआस के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होसे के पास पहुंचा। तो बेरी का बेटा होसिया के पास वचन आया। योएल एक एक, यहोवा का वचन जो पतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा। तो पतुएल के बेटे के पास योएल, उसके पास यहोवा का वचन आया। आमोस 1:11-12 यहोवा यह कहता है, अभी आमोस कहता है सुनो प्रभु यहोवा यूं कहता है, अदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खड़ा और कुछ भी दया न की। माफ करो, ये है 8:11 है आमोस। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, पढ़ो, देखो ऐसे दिन आते हैं, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं, जब मैं इस देश में अकाल करूंगा, जब मैं इस देश में अकाल करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के लोग तरसेंगे खाने के लिए पानी पीने के लिए नहीं, लेकिन परंतु यहोवा के वचन, यहोवा के वचन के लिए लोग तरसेंगे। आज भी कई लोग परमेश्वर के वचन यानी लिखे हुए मेरे लिए क्या बात है वो नहीं जानते, ऐसे ही चलते हैं, शायद प्रभु का वचन आया है ऐसे सोच के चलते हैं। 12 पद में लिखा है, और लोग यहोवा के वचन की खोज, और लोग यहोवा के वचन की खोज के लिए समुद्र से समुद्र तक, समुद्र से समुद्र तक, और उत्तर से पूरब तक, उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। तो प्रभु के वचन के लिए ढूंढेंगे कि मुझे, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। तो ये बात है कि पुराने समय में परमेश्वर ने कई लोगों के साथ बात की, वचन आके खड़ा रहा और लोग ने सुना कि ये मेरे लिए वाणी है। हिब्रानी पत्री 1:1-2 2 पद में लिखा है, परमेश्वर पुराने समय में लोगों के साथ कई रीति से वचनों दिए, वो नबी के जरिए, सेवकों के जरिए हमसे बात करता रहा, और ये अंतिम समय में परमेश्वर ने यीशु के जरिए हमारे साथ बात की, ऐसा लिखा है। तो यहां पे है सारा लोगोस की बात लिखी गई है। अब जब लिखा है कि यो आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ, 14 पद में लिखा है, तो ये यीशु मसीह जो देहधारी हुआ वो क्या है? वचन देह धारण किया, जो परमेश्वर कहने वाला था, कहता था, जो पहले से इंसानों के लिए सोच के रखा था, ऐसी सारी बातें, वो सारी बातें यीशु में थी। और कहूंगा वो जो यीशु है उसके लिए सारी बात लिखी गई थी कि उसको कैसे आना है। लोग वचन को नहीं जानते थे, वचन कौन है, किसके जरिए सारी दुनिया बनी है, ये लोग नहीं जानते थे। लोग ऐसा समझते थे कि परमेश्वर ने बोला और ये सारी दुनिया हुई है, परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि को उत्पन्न किया, शून्य में से उत्पन्न किया, कोई किसी के अंदर से नहीं आया। क्योंकि दुनिया में दो चीज है, एक विनाश हो जाता है ऐसी भी चीज है, और ऐसी भी चीज है जो विनाश नहीं होता है, ऐसी भी चीज है जो जीवित रहती है, ऐसी भी चीज है जिसे हम कहते नॉन लिविंग, निर्जीव। तो सारी चीज जीवित में से नहीं आई, लेकिन जो निर्जीव भी चीज है वो भी पैदा की गई है या उत्पन्न की गई है। और सारी दुनिया में सब कुछ है, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें से ही इसमें से आया है, सब भिन्न भिन्न है,
सब भिन्न भिन्न है। पत्थर जो है वो सनातन है, पत्थर जो है वो किसी में रूपांतरित नहीं होता है, वो भी एक अमर चीज है लेकिन खाता कुछ नहीं है। इंसान खाता है फिर भी मर जाता है। जो यीशु मसीह के लिए जो वचन शब्द का इस्तेमाल किया गया है लोगोस, वो पहले से परमेश्वर के साथ था, जिसके बारे में परमेश्वर चाहता था कि वो प्रकट हो जाए, जो अब्राहम के पास आया, होशिया के पास आया, हजिकेल के पास आया, इनसे बात की, वो वचन कहां से आया। लोग सोचते थे ये क्या मेरा दिमाग की सोच है, लोग सोचते थे मुझे क्यों परमेश्वर की खोज कर रहा हूं, मुझे क्यों ऐसी भक्ति करने के लिए प्रेरित हुआ हूं, किसी को मदद करने के लिए मुझे प्रेरणा कहां से मिलती है, क्यों मुझे कहा गया वहां पे भाग जा, वहां पे छिप जा, क्यों कहा गया इससे दूर रहे, ये खाना ये नहीं खाना, ये सारी सोच कहां से आती है। जो परमेश्वर भी कहता था दुनिया में आत्मा है, वो भी सारे बोलते हैं, सबके अपने अपने सोच है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ जो रहता था लोगोस, उसके लिए जो लिखा गया था, वो जब मौजूद हुआ धरती पे, भजन संहिता 40 और 7 यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, देख मैं तेरे किताब में जो लिखा था अनुसार ये धरती पे आ गया हूं। और यही बात इब्रानी पत्री 10 और 7 में लिखा है, मेरे विषय में जो कुछ लिखा था, और परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं प्रकट भी हो गया हूं, मैं देखो मैं आ गया। यीशु के लिए वो वचन के लिए लिखा गया था, भजन संहिता 139:16, जब मेरा धरती पे मुझे रचा गया, सारी बातें तेरे किताब में लिखी गई थी, कौन से दिन को मुझे आना है, कहां पे मुझे पैदा होना है, जब मेरा कोई क्या लिखा है वो पढ़ो, 16 पद, तेरी आंखों ने मेरा मेरे बेडोल तत्व को देखा, मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन बनते जाते और है, दिन बनते बनते मेरा जो अंग बनते हैं, वे रचे जाने से जो रचे जाते हैं तेरी पुस्तक में लिखे हुए, ये सारे पुस्तक में लिखे गए थे। तो यीशु के लिए सारी बात जो लिखी गई थी, उस अनुसार वो जीवित भी हुआ और वो अनुसार उसे प्रकट भी किया गया। और 14 पद हम पढ़ते, यूहन्ना 1:14, वचन और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, तो जो लोगोस था, वचन था, बोला हुआ नहीं लिखा हुआ, जो पहले परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर क्या बोलने वाला, परमेश्वर क्या करने वाला, परमेश्वर क्या क्या कर चाहता है, ये सारी बात एक डिब्बे में कहूंगा, ये सारी बात उसका जो नियम है वो ऐसा ही है, वो नहीं बदलने वाला। उसने नई नई सोच नहीं आती है, वो फिर से वही बात, या फिर वो जो करता है वही करता है। यदि वो सच बोलता है तो समझ लो कभी भी परमेश्वर झूठ नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि वो सनातन ऐसा ही रहने वाला है। उसके सारे नियम है, वो नियम अनुसार ही वो करेगा, वो अपने नियम को कभी भी तोड़ नहीं सकता है। जैसे हम यूहन्ना 1:14 में पढ़ा कि ये शब्द था वो सदैव हुआ, परमेश्वर लोगों के साथ बात करता था, किसके जरिए बात करता था, कैसे लोगों को आत्मिक सोच मिलती थी, वो कौन आत्मा था जो लोगों को पास आके लोगों को सोच देता था कि ये परमेश्वर की वाणी है, वो कौन था, उसके लिए सारी बात लिखी गई थी, वो अनुसार
वो धरती पे आया। उसके लिए लिखा गया था कि कुमारी के द्वारा वो आएगा, उसके लिए लिखा था कि बैतलहम में आएगा, उसके लिए लिखा था वो यहूदा जो कुल है उसके द्वारा वो जरिया आएगा। जो जो बात उसके लिए लिखी थी वो सारी बात जो लिखी हुई थी वो प्रकट हो गई। ऐसे ही वो आया और लोगों ने पहचाना कि यही वो है जिसके बारे में लिखा गया था। और परमेश्वर के जो वचन लोगों के पास आता था वो यही है जिसके जी जो आत्मा लोगों से बात करता था। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जिस लोगों ने यीशु को अपना लिया तो वो लोगों ने वचन अपनाया, लोगों अपनाया, जो हजिकेल ने अपनाया, यशाया ने अपनाया, आमोस ने अपनाया, वही लोगोस, और वही लोगोस धरती पे आके खड़ा रहा। और ऐसे लिखा है जो लोगों ने पहचाना, जो लोगों ने ग्रहण किया, उन लोगों ने पास भी वही वचन आया था। पुराने समय में दिखता नहीं था, नए नियम में देह धारण करके खड़ा हो गया। और लोगों ने जिसने पहचाना उनको परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार भी मिला। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारे पास देखने वाला वचन आया, पुराने लोगों के पास सिर्फ वचन आके खड़ा था और वो पहचान पाते थे हाँ ये परमेश्वर का वचन है कि हमें डरना नहीं है। अब्राहम डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ओके प्रभु आप कह रहे हो। प्रेज़ लॉर्ड। और हमारे पास जो है वो लोगोस, प्रभु का वचन, और वो हमें चलाता है। और कई लोगों को प्रभु के वचन मिले, सुनने मिले, देखने मिले, फिर भी वो पहचान नहीं पाए। यीशु ने कहा यूहन्ना 5:24 में, यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु ने कहा मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मुझे भेजा है उसका विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, तो अनंत जीवन उसको वो पाएगा, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर, लेकिन वो मृत्यु से बाहर निकलकर जीवन में प्रवेश कर चुका, जीवन में प्रवेश कर चुकेगा। आमीन। तो जो लोगोस है वो यीशु मसीह, वो बोला हुआ शब्द नहीं है, लेकिन पहले से मौजूद था, लोगों के पास आके खड़ा रहता था, लोगों से बात करता था, और लोग कहते थे मुझे प्रभु का वचन मिला है और ये सच बात होगी, यही होगा, ऐसे करके लोग कहते थे कि यहोवा ने मुझसे बात करी, यहोवा का वचन यूं कहता है, यहोवा का वचन यूं कहता है। ऐसे पुराने नियम में पुराने जो नबी थे वो ऐसे कहते थे यहोवा का ये वचन है। आज यदि हम कहते हैं कि ये प्रभु का वचन है, प्रभु ने आपसे ये कहा है, यही बात तुम्हारे जीवन में होगी। यदि वो लोगोस है तो वो पूरा हो जाएगा। प्रभु ने कहा मेरी बातें वो न टलेगी, आसमान पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरी बातें न टलेगी। तो प्रभु का जो वचन है लोगोस वो रहता है। अमार कहे या रेमा कहे, वो जो बोली हुई बात है वो शायद तुमने सुना सच हो झूठ भी हो, पर यदि वो परमेश्वर का लोगोस है तो वो पूरा ही होगा। या परमेश्वर का रेमा हम इंसानों के जरिए सुनते हैं, लेकिन हमारे खुद के पास जब आता है तो वो लोगोस कहा जाता है। प्रेज लॉर्ड। तो ऐसी काफी बातें हैं इसके बारे में, कहां कहां ये बाइबल में, यदि हम बड़ी अच्छी तरह से इसका अभ्यास करें तो मैं समझ पाएगी कि प्रभु का वचन जो शब्द है कहां कहां पे ये इस्तेमाल किया गया है, क्यों लोगोस कहा गया है, क्यों रेमा कहा गया है, क्यों एक ही वचन के लिए, शब्द के लिए ऐसे ऐसे शब्द को इस्तेमाल किए गए। तो ये थोड़ी बात है कि हमें प्रभु के वचन जो है वो यदि यीशु बोलता है, परमेश्वर बोलता है, तो वो कहेंगे कि वो लोगोस है, और यदि कोई इंसान बोलता है और मैं कहूंगा मैं यीशु मसीह का ये वचन है और मैं कहता हूं, तो उसको रेमा कहा जाता है।
पर आपके पास वही वचन देहधारी होके देखना चाहिए, जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड, आपके जीवन में वो फुलफिल होता है, आपके जीवन में यदि वो परिपूर्ण होता है तो समझ लो परमेश्वर का वचन आपके पास आया है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु हरे को अनुग्रह दे, सहाय करे समझने के लिए। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु आपकी बातें बड़ी महान है, सारी बातें को समझना प्रभु हम चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपका अनुग्रह, आपकी आपकी ओर से सुनना चाहते हैं। जैसे लिखा है कि जो पवित्र प्रबोधक थे, नबी थे, उनके पास आपका वचन आया और वो अपने दिमाग से नहीं, अपनी सोच से नहीं, लेकिन आप पवित्र आत्मा जैसे उनको गवाही दी, वो पहुंच पाए, समझ पाए, वचन को सुन पाए और सारी बात को लिखी गई है। वो इंसान की सोच नहीं है लेकिन परमेश्वर आपकी सोच, आपके वचन है। प्रभु हम हमारे जीवन में जो होने वाला है आप हमें बताओ, जिससे प्रभु हम चल पाए। और जैसे आपका वचन ने पढ़ा, हमारे लिए जो आप कहना चाहते हो, आपके मुंह से जो निकलने वाले शब्द है उससे हम जीवित रहना चाहते हैं, हम आपके उजाले में चलना चाहते हैं। और हमारे लिए जो भी लिखा है, रखा है, ये भी हमारे जीवन में परिपूर्ण हो जाए, ये हम चाहते हैं। प्रभु हर एक भाई बहनों को सहाय करो समझने के लिए, अनुग्रह दो, पवित्र आत्मा साथ में रहो। और आशीष मांगते और सच्चाई मांगते और उजाला मांगते, बात करते रहो पवित्र आत्मा हमसे, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमेन। आओ प्रभु उनसे गाई प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा बादशाह आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपने अपराधी को क्षमा किया है ऐसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में आने न दे पर तू बुराई से बचा ले, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा पिता आपके ही है, आमेन। हाँ पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमारे साथ रहे, और जितने भी यीशु को से प्यार करते हर एक विश्वासी के साथ दुनिया भर रहे, आमेन। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु सबको आशीष दे, अनुग्रह दे, और चाहूंगा कि आप इसको फिर से सुनो और स्टडी करो, या आप कोई सवाल है तो आप कर सकते हो। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ लॉर्ड।